अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेस्टी किचन पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईद की स्पेशल डिज़र्ट रेसिपी शीर खुरमा। शीर खुरमा की रेसिपी हम आपको ईद से पहले देने जा रहे हैं ताकि हमारे चाहने वाले, हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत ही आसानी से अपने घरों में शीर खुरमा बना सकें। सो फ्रेंड्स, शीर खुरमा हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, जिस तरीके से ये बनाया जाता है, और इसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए हम आपको पहले इन्ग्रीडियंट्स बता देते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में 50 ग्राम मखाने लिए हैं। 50 ग्राम ही हमने गोला लिया है, यानी कि सूखा नारियल, और इसे हमने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अगर आपको ग्रेटेड नारियल पसंद है तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। 50 ग्राम ही हमने यहाँ पर खोया लिया है, जिसे हमने हाथों से क्रश कर लिया है। 30 से 40 ग्राम हमने यहाँ पर भुनी हुई सिवैयें ली हैं, और आप देख सकते हैं एक मुट्ठी हमने यहाँ पर फैनी ली है। इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हम अपनी शीर में डालेंगे, क्योंकि हमें अपनी शीर ज़्यादा थिक नहीं करनी। 100 ग्राम हमने यहाँ पर देसी प्योर घी लिया है, ये हमारा होममेड है। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 150 ग्राम हमने यहाँ पर चीनी ली है, शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पर 25 ग्राम काजू लिए थे, जिसे हमने पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और 25 ही ग्राम हमने यहाँ पर बादाम लिए थे, जिसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इसका छिलका हमने हटा दिया है, और ये बहुत ही आसानी से 2-2 हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। 25 ग्राम हमने यहाँ पर किशमिश ली है, 20 ग्राम हमने चिरौंजी ली है, 20 ग्राम हमने यहाँ पर पिस्ता लिया है, जिसे हमने फाइनली तरीके से चॉप कर लिया है। 4-5 हमने हरी इलायची ली है, इसे हम क्रश करके ऐड करेंगे भगार देने के लिए। और यहाँ पर 25 ग्राम ही हमने 5 मगज लिए हैं, 5 से 6 हमने यहाँ पर छुहारे लिए हैं, इसे भी हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। आप देख सकते हैं ये फूल कर काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं, ये बहुत आसानी से अब कट हो जाएंगे। सूखे जो छुहारे होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, वो कटने में परेशानी करते हैं, तो आप इसे पानी में भिगो दीजिए, ये गल भी अच्छे से जाते हैं शीर खुरमा के अंदर, और ये कट भी बहुत ईजीली हो जाते हैं। यहाँ पर हमने 30 ग्राम कच्चा बासमती चावल लिया था, जिसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है, बहुत अच्छे से फूल गए हैं ये। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बता दिए हैं, और यहाँ पर हमने आपको 1.5 किलो दूध के इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 1.5 किलो दूध का शीर खुरमा बनाने जा रहे हैं। ईद पे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शीर खुरमा बनाया जाता है, क्योंकि काफ़ी मेहमान आने होते हैं, तो आप इस इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अपने दूध के अकॉर्डिंग कई गुना बढ़ा लें। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं शीर खुरमा बनाना। तो दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और ये हमारा फुल क्रीम दूध है, तो इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 250 ml के करीब, क्योंकि मैं यहाँ पर खोया ऐड कर रही हूँ, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर आप खोया ऐड ना करना चाहें, जैसे कि कुछ व्यूवर्स नहीं चाहते कि वो खोया ऐड करें, क्योंकि वो कहते हैं कि खोए से शीर खुरमा फट जाता है, ख़राब हो जाता है जल्दी से, अगर आप खोया ऐड नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन अगर आप खोया नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप दूध के अंदर पानी भी ऐड ना करें बिल्कुल भी, तो फिर आप इसे प्योर लें। तो मैंने इसे 10 मिनट एक्स्ट्रा पका लिया है, इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो गया है। अब हम चावल का पेस्ट ऐड कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर चावलों को ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर इसके अंदर इसे हम मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और एक स्पून की मदद से इसे हम चला लेंगे अच्छे से, अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि चावल की गांठें ना पड़े और ये पूरे दूध में एक साथ मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हम इसके अंदर छुहारे ऐड कर देंगे, तो छुहारों को हमने शेप में, लंबी लंबी शेप में कट कर लिया है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आ रहा है, चलाते हुए इसमें बॉयल आ रहा है। अब हम फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर देंगे, और इसे दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अपने दूध को हमने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है, और फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है, ताकि स्लो फ्लेम पर हमारे चावल बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसे मैंने स्लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर अपनी सिवैयाँ ऐड कर देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन अच्छे से भून लेंगे घी के साथ। फैनी को भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैनी ऑलरेडी घी में भुनी हुई होती है। ये देखिए अच्छे से भून गई हैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अपनी सिवैयों को हमने प्लेट में निकाल लिया है, और ये हल्की सी ठंडी हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से क्रश करके अपने दूध में ऐड कर देंगे, हमने इन्हें छोटे छोटे क्रश कर लिया है। अब हम इसे दूध में उठाकर डाल देंगे, और इसे भी दूध के साथ पकने देंगे। तो सिवैयों को हमने दूध के अंदर ऐड कर दिया है, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे फैनी, और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसे भी स्लो फ्लेम पर पकने देंगे दूध के साथ, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तब तक हम अपना बाकी का सामान फ्राई कर लेते हैं। अब हम फिर से पैन के अंदर घी ऐड करेंगे, इस बार थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे, ताकि हमें मखाना फ्राई करने में आसानी हो। के अंदर ऐड कर देंगे मखाने,
और इसे चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इन्हें भी अपनी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। मखानों को फ्राई करके हमने बाहर निकाल लिया है, इसे हम दूध में अभी ऐड नहीं करेंगे, इसे हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब हमारी शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगी, ताकि ये क्रंची रहे। अब हम फिर से इसमें घी ऐड करेंगे और अपनी बाकी की जितनी भी मेवा हमारी बची है वो हम सब फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा घी हमने बचा दिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हरी इलायची, जिसे हमने हल्का सा क्रश करके इसके मुँह को खोल लिया है। इसे सोटे करेंगे घी के अंदर ताकि इसकी खुशबू रिलीज हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम, काजू ऐड कर देंगे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे इन्हें। गोला ऐड कर देंगे इसके साथ ही, बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून जाने चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना हो ना मीडियम हो। अब हम इसके अंदर किशमिश ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिरौंजी। अपने सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पांचों मगज। इसे भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भून गए हैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर, और आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बस ऐसे ही हमें चाहिए थे। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इधर हमारी शीर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकते पकते तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये सिवैयों की वजह से इतनी थिक नहीं हुई है, बल्कि इसमें जो हमने चावल ऐड किए हैं ये उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर और इसका जो टेक्स्चर है वो इतना थिक हुआ है। चावल का एक बेनिफिट होता है, जब आप उसे इसमें डालते हैं तो दूध एकदम से गाढ़ा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि आपने दूध को बहुत देर पकाया है या फिर आपने काफ़ी क्वांटिटी में इसके अंदर खोया ऐड किया है, तो ये बहुत ही रिच फ्लेवर की हो जाती है उससे। तो ये तैयार है हमारी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी, तो चीनी को हमें डालते जाना है और इस तरीके से इसे चलाते रहना है। थोड़ी सी चीनी हमने बचा दी है, अगर हमें कम लगेगी तो हम इसमें सारी ही चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे खोया। स्पून को रेगुलर चलाना है हमें इस तरीके से। फ्लेम को हमने इस वक्त स्लो टू मीडियम किया हुआ है। तो अपनी शीर को हमने 2 से 3 मिनट बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे और पका लिया है, और आप देख सकते हैं हमारी शीर में बॉयल आने लगा है और यहाँ पर हमारी शीर खुरमा बनकर तैयार है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बॉयल आ रहा है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे अपने सभी ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए हैं। ये देखिए हमारी शानदार शीर खुरमा बनकर तैयार है। हमारी शीर खुरमा बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं ये हल्की सी ठंडी हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे, ये हम आपको बताना भूल गए थे। इसे मिक्स कर लेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, बहुत टेस्टी हो जाती है शीर। तो ये हमारी शीर खुरमा तैयार है। अब हम इसे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अच्छे से गार्निश कर लेंगे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस बेहतरीन सी रेसिपी को इस ईद पर, और इंशाल्लाह आपका शीर खुरमा भी बहुत ही लाजवाब बनेगा। अब इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, कितना रिच टेक्स्चर की हमारी शीर खुरमा बनकर तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। ये देखिए व्यूवर्स, हमने अपने शीर खुरमा को 2 अलग अलग बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसे ऊपर से गार्निश कर लेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे हम मखाने। ये क्रंची क्रंची से मखाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप शीर में बिल्कुल शुरू में ऐड ना करें। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता। तो ये हमारा लाजवाब शीर खुरमा बनकर तैयार है। सो फ्रेंड्स, इस ईद पर इस शीर खुरमा की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका शीर खुरमा भी बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मैं फिर हाजिर होती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।